अभी मैं बॉयज हॉस्टल में हूँ, मैं यहाँ का इंटीरियर दिखाता हूँ स्टूडेंट से जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। कैसे हो भाई लोग? ठीक है भैया, आप कैसे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मोनू। कहाँ से हैं आप? बिहार। बिहार में हैं से हैं। किस ईयर में आप यहाँ पढ़ रहे हैं? सेकंड ईयर में भैया। सेकंड ईयर में क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? फिजियोलॉजी, गाइटन एंड हॉल। आपका क्या नाम हुआ? विष्णु। आप कहाँ से हैं विष्णु जी? अरवल बिहार। सब ठीक है? सब बढ़िया। आप क्या पढ़ रहे हैं? फार्माकोलॉजी। फार्मा पढ़ रहे हैं जी। पूरा सब कुछ ठीक समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। आप कौन से ईयर में हैं? सेकंड ईयर। आप कौन हो जी? सेकंड ईयर। आप कहाँ से हैं? अरवल। अरवल जिला, बिहार। बिहार से? आप भी दोनों बिहार से हैं? दोनों सेकंड ईयर में हैं। हाँ जी। आप लोगों की पढ़ाई कैसी जा रही है यहाँ पे? बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लोग हैं? जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। इंडिया से जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं बिहार से, तो मैं जानना चाहता हूँ कुछ स्टूडेंट से, जैसे कि इंडिया में पूछते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई रशियन लैंग्वेज में होती है, किर्गिज में होती है, हमें समझ में नहीं आता है। तो आप यहाँ पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, दो साल हो गया आपको, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? यहाँ से अच्छी पढ़ाई कहीं भी कहीं होती ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम में होती है पढ़ाई यहाँ पे, कोई रशियन वशियन कुछ नहीं है। सिर्फ इंग्लिश, इंटरनेशनल टीचर भी अपने पास यहाँ पे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया से टीचर मंगवाया जाता है यहाँ पे। फिजियोलॉजी जैसे हो गया, फिजियोलॉजी के लिए मेन सब्जेक्ट के लिए, जैसे मेडिकल में जो यूज होता है जो टर्म सब बुक, उसके लिए इंटरनेशनल टीचर है यहाँ पे, लोकल टीचर नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स जो कि डरते हैं कि फॉरेन भेज रहे बच्चे को, वहाँ की पढ़ाई बढ़िया नहीं है, तो यहाँ आपका कोई है फ्रेंड या फिर फैमिली से जो इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो? मेरी दीदी है। दीदी है? तो दीदी से कभी बातचीत होती है कि वहाँ का सिलेबस और यहाँ का सिलेबस में कोई भी डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फर्स्ट ईयर में भी सेम जो इंडिया में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में सेम जो इंडिया में पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर में भी सेम ही रहेगा जो इंडिया में पढ़ रहे हैं, सब कुछ सेम है इंडिया से, सिलेबस सेम है चाहे इंटरनेशनल या। आप सेल पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी, सेम टू सेम इंडियन सिलेबस यहाँ भी चालू है? इंडिया में भी यही बुक चल रहा है जो यहाँ पे चल रहा है, सेम बुक इसका भी वही है। यहाँ पे सेकंड ईयर में आप लोग है, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोग चल रहा है? टोटल सब्जेक्ट चल रहा है, फिजियोलॉजी चल रहा है, बायोकेमिस्ट्री हो गया, पैथ हो गया, अभी सेकंड सेम में चलेगा, फार्मा हो गया। फार्मा है तो सेकंड सेम में आ गए, फर्स्ट सेम में इतना ही है, फिर सेकंड सेम में। तो आप पटना से हैं, तो पटना से, बिहार से और भी झारखंड, ऑल ओवर इंडिया से जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप कुछ बताएं, उस बच्चे के लिए बताएं कि यहाँ पे कैसा है माहौल? सही है यहाँ का, यहाँ का जो डीन है वो सबको अपने अंडर में रखते हैं, ये नहीं कि अदर कंट्री में जाने के बाद ये होता है कि आप गए वहाँ अपना एडमिशन ले लिए, उससे कोई मतलब नहीं, उसको पैसा से मतलब है, यहाँ पे पैसा से मतलब नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट का केयरिंग होता है हर कुछ के मामले में, चाहे तबियत खराब हो गया तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। इस हॉस्टल में डिस्पेंसरी है? डिस्पेंसरी है, सब कुछ है 24 आवर्स। सेकेंड ईयर में है तो आप लोग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस लगाया हो गया? लगाया, एक महीने का प्रैक्टिस हुआ है आते ही। अभी गए तो आपको लोगों को डेड बॉडी दिखाया होगा? डेड बॉडी दिखाया गया है, 5 डेड बॉडी है कॉलेज में। अभी जो आप लोग 5 बॉडी, अभी एक महीने के अंदर 5 बॉडी आपको? 5 डेड बॉडी है कॉलेज में ऑलरेडी। अच्छा, कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल छोड़कर? हाँ, कॉलेज के अंदर, कॉलेज के कैंपस में 5 बॉडी है। आप अरवल से विष्णु जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे काफी केयरिंग होती है, और एक तरह से जासू फैमिली जिसको बोलते हैं ना, उस तरह से हम लोग, जासू मतलब जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। हाँ जी जी। और फैकल्टीज भी काफी अच्छी हैं, लोकल और इंटरनेशनल फैकल्टीज का मतलब कनेक्शन है यहाँ पे ज्यादा अच्छा। जैसे कि इंडिया में बताया जाता है कि वहाँ पे इंडियन फूड मिलेगा, तो आप लोग हॉस्टल में है तो आप लोग को यहाँ पे फूड कैसा मिल रहा है? पूरा इंडियन, फुल्ली इंडियन फूड है यहाँ पे, मसाला भी इंडिया से आता है इस कॉलेज में। इतनी फैसिलिटी और किसी कॉलेज में नहीं मिलने वाली है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
आप लोग जब सेकेंड ईयर में चले गए तो आप लोग के यहाँ पे एमसीआई क्लास के बारे में लगी है। कमल के भी जो एफएमसी का जो बुक राइटर है वहाँ इंडिया में भी उनका बुक चल रहा है, वो आए थे कमल के भी, अमन चौरसिया फिजियोलॉजी के लिए अमन चौरसिया आए थे, जो उनका अच्छा नाम है इंडिया में, अच्छा नाम है दोनों का, वो यहाँ पे रिकमेंड किए गए। अभी भी चल रही है क्लास वहां से, अपनी क्लास अपनी जगह और एमसीए की क्लास अपनी जगह है। मतलब अपनी जो सब्जेक्ट की क्लास है वो सुबह 8 बजे से 4 बजे तक लगनी है, फिर 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक एमसीए क्लास लगती है। मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बताइए, अगर आप लोगों के यहाँ पे तबियत खराब होता है तो क्या आप लोगों को यूनिवर्सिटी आप लोगों को सपोर्ट करती है हॉस्पिटल ले जाने में या फिर डिस्पेंसरी पहुँचाने में? सपोर्ट करती है यूनिवर्सिटी। तो ये मेडिकल में जो भी खर्च आता है वो यूनिवर्सिटी देती है फिर आप देते हैं? यूनिवर्सिटी सारा खर्च यूनिवर्सिटी देती है, हम लोग को कुछ नहीं देना कहीं पे। एक बार जो पैकेज जमा हो गया वो जमा हो गया, उसके अलावा 1 रुपया नहीं यूनिवर्सिटी लेती है न कुछ। ये नहीं आता यूनिवर्सिटी में होता है कि इसका एक बार पैकेज जमा करने के बाद कि ये जमा करो वो जमा करो, यहाँ पे कुछ नहीं, जितना पैकेज है उतना ही जमा करो बस। किस कंसल्टेंसी के थ्रू आप आए थे? डॉक्टरेंस करियर गाइडेंस। करियर गाइडेंस जैसा डॉक्टरेंस वाले, जैसे कि हमने आपको बताया था इंडिया में एडमिशन इन्विटेशन वीजा फ्लाइट टिकट पहुँचाने की, तो प्रॉपर आपका काम समय टू समय हो गया था? एकदम सही से हुआ था, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ था। डॉक्टरेंस अच्छा कंसल्टेंट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ से एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी में भी बहुत हेल्प होती है, यूनिवर्सिटी से टाई अप है इसका, कहीं दिक्कत ही नहीं होती है। कहीं भी कुछ नहीं सोचना ही नहीं है कुछ इसके बारे में कि हाँ डॉक्यूमेंट दे दिए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं। काम सही होता है इस कंसल्टेंट से। डॉक्यूमेंट सारे ऑलरेडी आपके सबमिटेड। आप किस ईयर में 12th पास आउट हुए थे? 2016 में। और ये 18 चला में कि 12th पास किया आप यहाँ पे चले आए, आप ड्रॉप क्यों नहीं लिए और स्टूडेंट की तरह? नहीं लिए क्योंकि लगता अपना एक सेल्फ होता है ना कि लगता है अपने दिल में कि हम निकाल लेंगे नहीं निकालेंगे, क्यों ईयर बात बर्बाद करने से कोई फायदा तो है नहीं। इसीलिए आ गए। आप कब के पास किए थे? सेम। तो आप लोग जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मैनेजमेंट आपको सपोर्ट कर रही है यहाँ हॉस्टल में, तो यहाँ के एजुकेशन लेवल से क्या आपको लग रहा है कि आप एक बार में एमसीआई क्लियर कर पाएंगे? जरूर जरूर निकाल लेंगे। जैसे कि एमसीआई की कोचिंग के लिए प्रोफेसर इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पे, जो आप लोग पाकिस्तान नेपाल सब जगह से टीचर, जैसा कि अभी आपका बताया कि कमल सर आए हुए थे इंडिया से जो एफएमजी की किताब लिखे हैं, तो जो किताब लिखे हैं तो एमसीआई क्लास आप लोग लगी जा रही है यूनिवर्सिटी की क्लास के अलावा? तो अभी से बताया जा रहा है कि एमसीआई में कैसे क्या होता है, पूरा गाइड किया जा रहा है कि हां एनाटॉमी आती है 10 क्वेश्चन, फिजियो आती है 12 क्वेश्चन, तो वो 12 क्वेश्चन किस टाइप के हैं कैसे हैं पूरा टॉपिक क्लियर करवाया जा रहा है। माने कि आप फुली सेटिस्फाइड है कि हम यहाँ के स्टडी से फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीआई क्लियर कर लेंगे और एक अच्छा डॉक्टर बनकर इंडिया चले जाएंगे? जरूर जाएंगे। पूरे किर्गिस्तान में आज तक एमसीआई की क्लास कभी नहीं लगी है, अभी तक की रिकॉर्ड है, सिर्फ जलालाबाद में ये फैसिलिटी दी गई है। माने कि अभी तक आप लोगों को 2 साल हो गया, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल इंग्लिश मीडियम जैसा हमने बताया था आपको इंडिया में यहाँ पे सब कुछ है जो जैसा इंडिया में बताया गया था मुझे बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे। थैंक यू मोनू जी। वैसे आप इस यूनिवर्सिटी को और जिस कंपनी के थ्रू आप यहाँ पे आए हैं उसको आप आउट ऑफ 100 कितना देना चाहते हैं? 100 आउट ऑफ 90 तो पक्का मिलते हैं इस। और आप विष्णु जी? 100 आउट ऑफ 100। माने कि जैसा आपको बताया गया था वैसे यहाँ पे आपको सब कुछ मिला, किसी भी तरह के कोई कंप्लेन नहीं ना इंडिया में हुआ ना अभी 2 साल बीत गया है, किसी अब लोग फुल इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हो रही है और जैसा वहाँ बताया गया मुझे वैसा ही मिला। इस कंसल्टेंट के थ्रू आए तो मुझे ऐसा मिला, अदर कंसल्टेंट्स आते हैं तो लोग भी बहुत परेशान होते हैं, ये भी बात है कि लोग परेशान होते हैं, लेकिन जो ये डॉक्टरेंस कंसल्टेंट करियर कंसल्टेंट है वहाँ से आने के बाद जो वहाँ जो रियलिटी है वहाँ पर वही बताया जाता है, ये नहीं कि फेक कुछ किए वो दिस दैट ऐसा है वैसा है। ये आप लोगों के लिए हॉस्टल में ये पूरा कवर दे दिया गया है, ये वाला खुली वो वाला ओके एक घंटा होगा। तो ये जैसा देखा जा रहा है एक स्टूडेंट के लिए एक कवर दे दिया गया है, इसमें लोग स्टूडेंट्स अपना कपड़ा उपड़ा रखे हुए हैं। हीटर भी दिखा दीजिए वहाँ पे, हीटर ये वाला वो वाला
ये ठंड के समय में ये तापनिया लगा हुआ है, जिसको यहाँ पे तापनिया, इसको हीटर बोलते हैं, ये पूरा रूम को गर्म करता है। इसको दिखाइए। और ये आपका स्टडी टेबल है, कबर्ड कॉपी भी रखने का है। थैंक यू मनोज जी, आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा। पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।